नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। फटाफट अंदाज में रुक करते हैं खबरों का। राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक खत्म हुई, पंचायत चुनाव पर जल्द आ सकता है फैसला। एमपी पंचायत चुनाव का मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की मांग, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। भोपाल से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, बोले आज शाम तक चुनाव स्थगित हो जाना चाहिए, बीजेपी की कोशिश चुनाव में ओबीसी को मिले आरक्षण। दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से की मुलाकात। दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की, इस दौरान यूरिया की आपूर्ति को लेकर चर्चा की गई। सीएम ने कहा कि प्रदेश को समय से यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया गया है। सीएम ने प्रदेश में दिसंबर महीने में 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य और ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारी से अवगत कराया। वहीं सीएम ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का आभार जताया। एमपी कैबिनेट बैठक में सरकार ने लिया बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त करने के लिए कैबिनेट ने लगाई मुहर। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सरकार पंचायत राज्य संशोधन अध्यादेश वापस ले रही है, इस पर विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत होना था लेकिन नहीं हो सका। पंचायत चुनाव निरस्त होने पर वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा का ट्वीट, कहा अगर ये समाचार सही है तो ठीक कदम है, कांग्रेस की तरफ से कोर्ट में की थी पैरवी। चुनावों में मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लेकर राज्य में कुछ समय के लिए पंचायत चुनाव रद्द कर दिए गए हैं, इसके लिए उमा भारती ने सीएम शिवराज और सरकार का अभिनंदन किया। रविवार को ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां हाथ जोड़कर नमन किया और समाधि स्थल पुष्प भी अर्पित किए। सिंधिया ने परिवार की परंपरा को तोड़ दिया, हालांकि ये सिंधिया राजघराने से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। इस दौरान उनके साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए। बता दें कि 1857 से लेकर अब तक सिंधिया परिवार पर रानी लक्ष्मीबाई से गद्दारी के आरोप लगते रहे हैं। रायपुर में धर्म संसद 2021 में महाराष्ट्र से आए संत कालीचरण ने मंच से गांधी जी के बारे में गलत बातें कही। उन्होंने कहा कि इस्लाम का मकसद राजनीति के जरिए राष्ट्र पर कब्जा करना है। सन 1947 में हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश पर कब्जा किया गया। मोहनदास करमचंद गांधी ने उस वक्त देश का सत्यानाश किया। कालीचरण ने कहा कि नमस्कार है नाथूराम गोडसे को जिन्होंने उन्हें मार दिया, गांधी ने देश का सत्यानाश किया। वही कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक और राज्य तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा स्थित बस्तर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने किस्टाराम एरिया कमेटी का सफाया कर दिया। सुरक्षा बलों द्वारा 10 बड़े नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जिसमें अब तक 6 शव बरामद हुए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है, जबरदस्त मुठभेड़, करीब 10 नक्सली ढेर। भोपाल और जबलपुर को सीधे हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए जल संसाधन मंत्री सिलावत
ने केंद्रीय उद्यान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है। भोपाल से सीधे जबलपुर के लिए हवाई यात्रा की मांग। पत्र में सलवाट ने कहा कि भोपाल और जबलपुर को सीधे हवाई मार्ग से जोड़ने पर आम जनता को कई कठिनाइयों से निजात मिलेगा। मध्य प्रदेश को प्राकृतिक औषधि में अग्रणी बनाने और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए 9 जिलों को चुना है, जिसमें आयुष वन विकसित किए जाएंगे। ये विकास कार्य 450 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाएगा। इसी तर्ज पर ही स्थानीय प्रजातियों और जड़ी बूटियों का रोपण 2023 से 2024 तक होगा। पीएम मोदी के ऐलान के बाद देश में 10 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने के साथ साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र वालों को प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। केंद्र की ओर से की गई इस घोषणा के बाद अब राज्यों में भी इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। टीकाकरण का जिम्मा संभाल रहे अधिकारियों का अनुमान है कि प्रदेश के करीब 1 करोड़ हितग्राही हैं जो इस दायरे में आ रहे हैं। जिम्मा संभाल रहे अधिकारियों के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि इन सभी हितग्राहियों को 1 महीने में टीका लगा दिया जाएगा। भोपाल के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान, 15 से 18 वर्ष के बच्चों को स्कूल में लगेगी वैक्सीन, 3 जनवरी से कैंप लगाकर किया जाएगा वैक्सीनेशन। ग्वालियर में गायत्री विहार कॉलोनी में आत्महत्या का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक मृत शैलेंद्र गुस्सेल स्वभाव का था, जिसके चलते उसके परिवार के लोगों से अनबन रहती थी। हालांकि आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दुर्ग में चोरी की नीयत से ऑटो पार्ट्स की दुकान में घुसना चोर को पड़ा भारी, जिसके चलते उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ी। चोर देर रात शटर काट कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। शटर काटते वक्त अचानक शटर के बीच सर फंस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कांकेर के चारामा थाना क्षेत्र में लखनपुरी मेले में झूला झूलने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद एक युवक पर चाकू से 3 लोगों ने हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां से उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर में वीआईपी मूवमेंट के दौरान गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में देर रात 2 गुटों में विवाद का मामला सामने आया। इस दौरान विवाद में जमकर गोलीबारी हुई, इस दौरान 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक 2 लोगों के पैर में गोली लगी है। घटना में एक युवक के सिर पर चोट आई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। महासमुंद में कोरोना केस कम होने के बाद अब बिजली विभाग सख्त हो गया है और बकायेदारों से बिल वसूल रहा है। वहीं बिल ना चुकाने पर बिजली कनेक्शन काट दिए गए। हाउसिंग बोर्ड शंकर आचार्य भवन समेत कई गांव की गलियों से अंधेरा छा गया। जानकारी के मुताबिक महासमुंद डिवीजन में 36 विभागों के 2172 कनेक्शन का 2,209,45,000 रुपए का बिल बकाया है। बिजली विभाग की तरफ से सरकारी दफ्तरों के विभागीय अधिकारियों को बिल जमा करने का आग्रह किया गया। अगर बिल का भुगतान नहीं किया गया तो बिजली विभाग कनेक्शन काटने की कार्रवाई करेगा।
बिजली विभाग पहले चरण में विभाग के स्ट्रीट लाइट कनेक्शन को काट रहे हैं, चाहे वो शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, जिनमें से 6 के शव बरामद हुए हैं। मौके पर कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। मामला बॉर्डर के तुस्ताराम थाना सीमा के वन क्षेत्र का है, जहां सुरक्षा बलों का संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान जारी था। तेलंगाना ग्रे हाउंड और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, वहीं जिले में नक्सल विरोधी अभियानों में लगे सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने के लिए IED लगाया हुआ था। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के स्थापना के 69 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय कार्यालय जशपुर भी स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर वनवासी और आदिवासियों ने कई कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। वहीं इस मौके पर 20,000 से अधिक कल्याण आश्रमों में स्थापना दिवस मनाया गया। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण देश भर में वनवासियों और आदिवासियों के शिक्षा उत्थान के लिए काम करने वाली संस्था है। 20,000 से ज्यादा कल्याण आश्रमों में कार्यक्रम। रायसेन के उदयपुरा में 18 पुराणों का संकल्प लिया गया था, जिसमें 13वें महापुराण में श्री राम कथा और विशाल रुद्री शिवलिंग निर्माण कार्य हो रहा है। कोरोना काल के बाद हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की तरफ से रुद्री शिवलिंग निर्माण कराया जा रहा है। कड़कती ठंड में भी आस्था के आगे सब फेल है। हजारों श्रद्धालु 1.25 करोड़ रुद्री शिवलिंग निर्माण कर रहे हैं। रोजाना 11 लाख से अधिक रुद्री शिवलिंग निर्माण कर रहे हैं। आज तक 25 लाख से अधिक रुद्री शिवलिंग निर्माण किए जा चुके हैं। इंदौर के भवरकुआ थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या की सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रेमी अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। इंदौर प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। महिला कुछ दिनों पहले पति को छोड़ प्रेमी के साथ रहने लगी थी, लेकिन बाद में महिला को का प्रेमी से विवाद हो गया, जिसके बाद वो फिर अपने पति के घर आ गई। रविवार को महिला घर से बाहर अपनी बच्ची के साथ सब्जी खरीदने गई थी, तभी उसके प्रेमी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। अंबिकापुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां कड़कड़ाती ठंड में एक सिरसरे युवक ने खुद की बाइक पर आग लगा दी। राहगीरों ने बताया कि युवक को ठंड लग रही थी, जिसके चलते उसने अपनी बाइक पर ही आग लगा दी और उसे तापने लगा। घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र के मझलीपारा स्थित मुख्य सड़क की है। बाइक में आग युवक ने लगाई। वहीं पुलिस के मुताबिक युवक परिजनों से विवाद के बाद घर से बाइक लेकर निकला था, वहीं उसने बाइक को आग के हवाले कर दिया। हालांकि मामले में अब तक थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।
बेमित्रा में जनसुनवाई का विरोध किया गया। जानकारी के मुताबिक सरदा गांव में लगने वाले स्पंज आयरन फैक्ट्री का जमकर विरोध हो रहा है। इस दौरान उनके साथ कई नेता भी मौजूद रहे। जनसुनवाई में ग्रामीणों को पैसे का लालच देकर अपने पक्ष में करने का आरोप लगाया गया। स्पंज आयरन फैक्ट्री खोलने को लेकर ग्रामीणों ने कहा कि आसपास की खेती पूर्ण तरीके से चौपट हो जाएगी, लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। गोरेला पेंड्रा मरवाही में प्रशासन लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल के सामने मरीजों का पंजीयन पर्ची बनाई जा रही है और पास में ही खुले में कोरोना की जांच की जा रही है, जिसे लेकर मरीजों में कोरोना का डर सता रहा है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन सहित प्रदेश के कई जिलों में बदलेगा मौसम का मिजाज। 28 और 29 दिसंबर को प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ साथ ओला गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जमीन पर दबंगों के कब्जे से परेशान परिवार फिर चढ़े टंकी के ऊपर। पहले भी 12 बार टंकी पर चढ़ चुका है परिवार। भोपाल के बैरसिया में खेत के एक कुएं में तेंदुआ देखा गया, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया और तेंदुए को पिंजरे में लिया। हालांकि उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, जिसमें वो स्वस्थ निकला, जिसके बाद अधिकारियों के निर्देश पर तेंदुए को जंगल में छोड़ा गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया साफ, कहा सरकार की कृषि कानूनों को वापस लाने की कोई योजना नहीं है। तोमर ने एक बयान में इस बात को साफ किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने का फैसला किया था। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर उनकी टिप्पणियों को गलत समझा गया और उनकी मंशा वो नहीं थी जो दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूस्टर डोज देने का ऐलान किया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मेरा बूस्टर डोज का सुझाव मान लिया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस फैसले पर सहमति जताते हुए कहा कि ये एक सही कदम है, देश के जन जन तक वैक्सीन व बूस्टर की सुरक्षा पहुंचानी होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में ग्रेनेड हमला हुआ है। बता दें कि आतंकियों ने पुलिस पोस्ट को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड हमला किया है। इस हमले में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिनको नजदीक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ग्रेनेड फेंकने के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और तलाशी अभियान जारी है। इंदौर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 9 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना के 14 नए केस सामने आए। जिसे देखते हुए अब प्रशासन की ओर से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्ती दिखाई जा रही है। बिना मास्क लोगों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है।
देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,531 नए मामले आए, एक दिन में 315 लोगों की मौत। एक दिन में 7,141 मरीज रिकवर भी हुए। देश में एक्टिव केस की संख्या 75,000 के पार। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 922 केस सामने आए और दो मरीजों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 79 केस, एक दिन में 31 मरीज रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 300 के पार। देश के 19 राज्यों में यूपी में ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। इसके साथ देश में ओमिक्रॉन के अब तक 578 केस हो गए। महाराष्ट्र में एक दिन में ओमिक्रॉन के 31 नए मामले सामने। इस तरह राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या 141 हो गई है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 142 मामले हो गए, जिसके बाद राज्य सरकार कोरोना नियमों के प्रति सख्त हो गई है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 14 नए केस हो गए, जिसके सरकार सख्त हो गई है। गुजरात में अब तक ओमिक्रॉन के 43 केस आए हैं, इनमें से 5 लोग ठीक ही हो चुके हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 22 नए केस सामने आए, जिसके बाद से ओमिक्रॉन के संक्रमितों का आंकड़ा 43 हो गया। उड़ीसा में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 केस हो गए हैं, लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 38 केस मिल चुके हैं, जिसके बाद से सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी है। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के 2 और मामले सामने आए, इसके साथ ही राज्य में इसके कुल 6 केस हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले केस की पुष्टि है। कनाडा से लौटी महिला ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई। पंचकूला में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है, जहां पिंजौर की युवती में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में AQI 430 दर्ज किया गया। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 दर्ज किया गया, जो बेहद ही खराब श्रेणी में। हिमाचल की ऊंची चोटियों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर में बर्फबारी हुई है। दिल्ली NCR में गरज के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने 26, 27 और 28 दिसंबर को बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं दिल्ली में 29 दिसंबर से कोहरे का कहर देखने को मिल सकता है, तो NCR में 31 दिसंबर तक बादल के छाए रहने और बारिश के होने की संभावना है। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान आज अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं। इंदौर में जन्मे सलमान खान को कभी अपने पतले कदकाठी के कारण कई फिल्मों से रिजेक्ट होना पड़ा था।